अमित शाह ने जो ये किया गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जो सलाब आ गए उनका सारा कागज पत्र चला गया वो क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। इनका हमें अमित शाह से जवाब चाहिए और मोदी सरकार से भी चाहिए। क्या ये मोदी सरकार के पास या अमित शाह के पास ये कागज है तो वो दिखाए हम लोगों को, हम गरीब आदमी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। हमारी फैक्ट्री में सील लग रही है, इसकी आजादी दो और सर हमारे यहाँ काला कानून बंद करो। बोलो भाई, आज आपने दिल्ली के अंदर यहाँ एक मिसाल कायम की है सर, और पूरे मुल्क से पहले तो यहाँ काम कैसे बड़ा हुआ ठीक है, और उसके बाद जो भी कर रहा है ना मोदी, ये ठीक नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है मोदी ठीक नहीं कर रहा है, गरीबों में ये बहुत ही गलत कर रहा है ठीक है, ये गरीबों में बहुत ही गलत कर रहा है ठीक है, और ये सभी के साथ गलत हो रहा है ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा चोर का ये चोर काम कर रहा है। जंतर मंतर पे क्यों आया, जंतर मंतर पे क्यों आया, इसी धरना गिराने आया भैया, हमको यहाँ जो है, यहाँ जो है ना हमको काम धाम पे भैया बहुत असर हो रहा है ठीक है, उसको कारखाने में सिर मरा रहा ठीक है, कारखाने में सिर मरा हर कुछ भी हो गया ठीक है ना, मेरे को ये चीज वापस चाहिए कांग्रेस का ठीक है ना, ये अपना गुंडागर्दी इसका बिल्कुल नहीं चलेगा ठीक है। मैं यहीं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ सीएबी का विरोध करने के लिए आया हूँ, स्पेशली अमित शाह और मोदी एंड कंपनी को बताने के लिए आया हूँ, ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है हिंदुस्तान, इस आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मिलकर बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये अमित शाह जो है एक तड़ी पार बनता है जो कि ये यहाँ के भाईचारे को खत्म करना चाहता है, ऐसे उल्टे सीधे कानून लाकर जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाकर ये उल जलूल कानून जो ला रहे हैं, हम इसकी सख्त और सख्त पुरजोर आंदोलन तो लगातार हो रहे हैं लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा चीज का, अब तो राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। बिल्कुल पड़ेगा, हम लोग आज या हमारा आज ही नहीं है, ये जब तक कानून वापस नहीं होगा हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले, नहीं बैठने वाले, और हम मोदी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद, गंगा जमुना तहजीब यहाँ चली आई है। आपको कैसे लगता है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ, बेशक बिल्कुल, खुद वो कह रहे हैं जब वो सभी धर्मों के लोगों को शामिल कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान को छोड़ के, तो साफ उनका बयान है कि मुस्लिम खिलाफ है, और क्या रह गया, श्रीलंका के हिंदुओं को भी नहीं बुला रहे, श्रीलंका के हिंदुओं को नहीं बुला रहे, अभी अभी कई चीजें जो पर्दे के पीछे हैं, अभी कई चीजें पर्दे के पीछे हैं, अभी कई चीजें पर्दे के पीछे, ऐसी ताना चाहिए हम नहीं होने देंगे, हम आगे भी करेंगे। लेकिन काफी तादाद में लोगों में गुस्सा है और आज सीएबी के खिलाफ लोग यहाँ पर मुल्क का हिंदुस्तान विदेश से हिंदू को नागरिकता दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान के हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान कहाँ जाए। देखिए लोगों में गुस्सा है काफी, लेकिन देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, जो सीएबी बिल जो पास हुआ है लोगों में गुस्सा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आज आए हुए हैं, जमियता उले हिंद के बैनर तले ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी अरशद मदनी भी यहाँ पर आने वाले हैं, सभी लोग देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो सीएबी बिल है उसके खिलाफ लोगों ने आज जंतर मंतर पर आए हैं, देख सकते हैं कितना गुस्सा है इन लोगों में।
बड़ी तादाद में लोग आए हैं, जो सीएबी बिल पास हो चुका है अब, लेकिन विरोध प्रदर्शन अभी जारी है लगातार। और असम में किस प्रकार से वहाँ पर बहुत गुस्से में लोग, तीन दिन से असम बंद है, आज यहाँ पे जमीयता उलेमा हिंद बैनर तले आज यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जी वापस चाहिए, वापस चाहिए, हर हाल वापस चाहिए। अब तो पास हो गया ना? नहीं नहीं, हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, हर हाल में नहीं लगने देंगे। सरकार नहीं मानते इसको, नहीं मानते। अगर अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करोगे आप? नहीं, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन इसको लागू नहीं होने देंगे। इससे मुसलमानों का क्या नुकसान है? मुसलमान का बहुत बड़ा नुकसान है, मुसलमान के हर हकूक को छीना जा रहा है। हर एतवार से ये विदेश से जो लोग आएंगे उसका रहम रहे, जो यहाँ के मुसलमान हो उसको कहता है कि भाई ये बांग्लादेशी है तो अफगानिस्तानी है तो पाकिस्तानी है। लोग यहाँ से मान, कोई बिहार से आके दिल्ली में बस गया, 20 साल पहले बस गया, वो वहाँ से भी खत्म कर चुका है, यहाँ है। अब उससे तुम पूर्व खोजोगे कि खतर से पहले का देगा, वो कहाँ से ला के देगा आपको? खतर से पहले का पूर्व कहाँ से ला के देगा? तब उसको कहोगे कि बांग्लादेशी है। अच्छा, आप एनआरसी के खिलाफ है, सीएबी के खिलाफ? दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है। देखिए, जो अमित शाह का बयान आया था कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगी, उस चीज को लेकर लोगों में गुस्सा है। अब एनआरसी में देखिए तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो एक दूसरी जगह जाके बच जाते हैं, और लगातार बाढ़ आती रहती है देश में, कई क्षेत्र ऐसे, तो डॉक्यूमेंट्स मिलना बड़ी मुश्किल होती है। ये मुस्लिमों के लिए ही दिक्कत नहीं है, कई सारे ऐसे समाज हैं जो इधर से उधर रहते हैं, वो दूसरे स्टेट राज्यों में चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लाना और देश में फिर से एनआरसी को लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए भी। लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है, जब से सीएबी बिल पास हुआ है लगातार लोगों में विरोध है सरकार के लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संविधान का विरोधी है बिल, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अगर देखा जाए तो असम में तो ना मुस्लिम है ना, वैसे ही बहुत सारी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पर तीन दिन से असम बंद है, मिजोरम में इसका बहुत बड़ा बच्चे हैं, 10 से 15 साल की जो एज है उन बच्चों की काफी बड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लोगों में गुस्सा है, सारे सीएबी के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, हमारे उनसे कोई वो दरखास्त नहीं है, बस ये विनती है कि वो बिल जो उसने वो लागू किया है वो वापस ले। हम लोग का यही सारे
किसी से बात करोगे तब एक्ट होगा। बस सुन सुन आराम से, सुन आराम से बात, आराम से एक आदमी बात देखिए। तमाम लोग जंतर मंतर पे आ चुके हैं, जमियता उलेमा हिंद के बैनर तले आज प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए